जो मैं कर रहा हूं वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। भाई जैसे पता चला तू आया तो देख मैं खुद तेरे स्वागत में आ गया। चूज कर क्या खाएगा? ये खाएगा हीरोपंती के 7 साल पूरे होने पर क्या टाइगर ने दिया हीरोपंती 2 का इशारा? क्या बनने जा रही है हीरोपंती 2? क्या आने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। दोस्तों, टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब इस फिल्म को पूरे 7 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर टाइगर ने खुद बात की ANI से और उन्होंने कहा कि वो केवल लोगों के प्यार और अपनेपन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वहीं अपने फैंस जो कि खुद को वो टाइगरियंस बताते हैं, उनके बारे में बात करते हुए टाइगर ने कहा कि उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्हें जोर से लगा कर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ टाइगेरियन आर्मी की वजह से हूँ। वहीं टाइगर श्रॉफ ने साजिद नाडियाडवाला को भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने मुझ पर इस फिल्म के लिए इतना भरोसा किया, उसके लिए शुक्रिया। फिल्म के को डायरेक्टर सब्बीर खान के प्रति भी टाइगर ने आभार व्यक्त किया। वहीं अपनी पहली को स्टार कृति सैनन को बेस्ट को स्टार भी बता डाला। गौरतलब है कि हीरोपंती के बाद अब टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 के साथ लौटने वाले। उन्होंने कई बार इशारा दे दिया, यहां तक कि पोस्टर भी रिलीज कर चुके हैं। तो इतना तो कन्फर्म है कि हीरोपंती 2 आने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि आज की पीढ़ी के एक्टर्स में टाइगर श्रॉफ इकलौते ऐसे एक्टर बन गए हैं जिनके पास 2 सफल एक्शन सीरीज है, बागी और हीरोपंती। यही कारण है कि वो युवा जितने भी हैं उन सब के फेवरेट एक्शन स्टार हैं। हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ ने डेब्यू किया और फिल्म रिलीज से पहले ही टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स और मार्शल आर्ट की चर्चा की तरफ थी। कम से कम एक बात तो तय थी कि टाइगर श्रॉफ नाम का एक लड़का है जो एक ही काम जानता है, पर वो काम उससे बेहतर शायद इस इंडस्ट्री में कोई जानता होगा, वो है एक्शन स्टार। बॉक्स ऑफिस पर भी टाइगर श्रॉफ का रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें तो वो भी शानदार है। उनकी पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म जब तक अभी तक उन्होंने जो की है सभी बेस्ट हैं, मतलब कि सुपर हिट है, 100 करोड़ से ऊपर ही है। और वहीं आपको बता दें कि जब उन्होंने शुरुआत की थी यानी कि पहली फिल्म से, उसी वक्त उनका जो करोड़ों का बिजनेस कर गया था और हीरोपंती 25 करोड़ के बजट में बनी थी, 72 करोड़ उसने कमाए। बागी में केवल टाइगर के स्टंट्स की बदौलत फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार गई थी। बागी का बजट था 35 करोड़। वहीं टाइगर श्रॉफ की कुछ फिल्म अ फ्लाइंग जट, मुन्ना माइकल बॉक्स ऑफिस पर खास कुछ नहीं चली, लेकिन लोगों को ये जो एक्टिंग थी टाइगर की वो पसंद आई थी। 35 करोड़ में बनी थी द फ्लाइंग जट और उसके बावजूद भी उसने 56 करोड़ कमाए, तो ना मुनाफा हुआ ना लॉस हुआ, वही वाली बात हो गई। वहीं ऋतिक रोशन के साथ अगर हम कंपेयर करें टाइगर के डांस को, तो अगर हम बॉलीवुड में ऋतिक के बाद किसी डांसिंग स्टार को देखते हैं तो वो है टाइगर श्रॉफ। पहले इस श्रेणी में आ रहे थे शाहिद कपूर, लेकिन टाइगर ने उनकी जगह हथिया ली क्योंकि उनका जो डांस है वो काबिले तारीफ है। टाइगर श्रॉफ कई बार मान चुके हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, इसीलिए वो अपने एक्टिंग स्किल पर काम करना चाहते हैं। अब इस पर कितनी मेहनत होगी और वो मेहनत कब काम आएगी, कितना रंग दिखाएगी, टाइगर ने कहा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सलमान के अलावा वो एक इकलौते स्टार बन गए जिन्हें थोड़ी बहुत एक्टिंग की उतनी समझ नहीं है, जो कि वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्टारडम की राह उनकी वही है। अब टाइगर एक्टिंग भले ही ना कर पाते हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय बॉलीवुड में एक्शन के लिए बेस्ट है। और इसीलिए रैम्बो रीमेक जब बन रही थी दोस्तों, ये भी एक एक्शन फिल्म है, ऋतिक रोशन से लेके सलमान खान की नज़र रैम्बो पर थी, लेकिन मेकर्स की नज़र टाइगर श्रॉफ पर थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इस फिल्म के लिए तो टाइगर श्रॉफ ही बेस्ट है। वहीं टाइगर ने बीच में अपनी इमेज जब बदलने के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की थी, लेकिन ये फिल्म भी थोड़ा कम चल पाई, भले टाइगर की इस फिल्म के लिए भी बहुत सराहना की गई थी। तो दोस्तों, अब हीरोपंती 2 आने वाली है जो कि पोस्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और टाइगर ने बहुत बार इसके बारे में बताया। आप कितने एक्साइटेड हैं हीरोपंती 2 के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को।